आपके लिए लाए हैं 2 साल के बच्चे का क्रोशिया का स्वेटर जैकेट। ये 2 mm की मैंने क्रोशिया ली है। ये ऊन है। सबसे पहले हम 54 चैन लेंगे, 54 चैन बुनना शुरू करेंगे। ये 54 चैन ली थी, ये मैंने 54 चैन पे ये मैंने सिंगल क्रोशे की लाइन कंप्लीट कर ली है। अब मैं यहाँ पे 3 चैन लूंगी, 1 2 3। ये 3 चैन ली, इसको टर्न कर लिया मैंने। यहाँ पे मैं 3 डबल क्रोशिया लूंगी, 1 2 और 1 ये 3। चौथे चैन पे हम 2 डबल क्रोशिया लेंगे, 1 2। ये मैं 2 साल के बच्चे का जैकेट बुन रही हूँ क्रोशे की, और इसमें ये मैं गले से शुरू कर रही हूँ यहाँ पे। अब फिर हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया लेंगे और चौथे पे 2 डबल क्रोशिया लेंगे। ये हो गई 3 डबल क्रोशिया, चौथे पे हम 2 डबल क्रोशिया लेंगे। ये देखिए, इसी पे हम एक और लेंगे। देखिए इस तरह से 3 सिंगल 1 डबल, 3 सिंगल 1 पे डबल, 3 पे सिंगल 1 पे डबल, ऐसी ही हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। देखिए लाइन कंप्लीट कर ली है मैंने। अब यहाँ पे मैं 3 चैन लूंगी, 3 चैन ली मैंने, इसको टर्न कर लेंगे। यहाँ पे मैं 1 2 3 4, ये 4 सिंगल उस पर 1-1 ली है मैंने, और 5वें पे मैं डबल लूंगी। 5वें पे 2, 4 सिंगल लेंगे, 5वें पे डबल लेंगे। 4 सिंगल ली मैंने, 5वें पे डबल ली, 1 2 3 4, 5वें पे डबल। ये देखिए, देखिए 4 सिंगल ली, 5वें पे डबल, 4 सिंगल 5वें पे डबल। इसी तरह से ये लाइन भी यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए लाइन भी मैंने कंप्लीट कर ली है। अब मैं यहाँ पे 3 चैन लूंगी, 1 2 3, ये 3 चैन ली मैंने, इसको टर्न कर देंगे। यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 और 1 ये 6, 6 वाले पे मैं 2 डबल क्रोशिया लेंगे। 6 छठी चैन पे 2 डबल क्रोशिया लेंगे। 5 सिंगल करी है मैंने, 6 पे 2 डबल क्रोशिया, 6 पे मैं डबल क्रोशिया करूँगी, 2 डबल क्रोशिया हो गई। इसी तरह से ये लाइन भी हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये लाइन मैंने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे मैं दूसरा कलर ऐड करूंगी।
दो चार छः छेरिया। अब ये सात वे पे में यहाँ पे, ये देखिए सात वे पे दो डबल क्रोशिया लूंगी, ये सात वे पे मैंने दो डबल क्रोशिया ली, ऐसे यहाँ पे छः बुनेंगे और फिर सात वे पे डबल क्रोशिया लेंगे। देखिए ये सातवा है, यहाँ पे डबल क्रोशिया लेंगे एक और, देखिए सातवें पे एक और डबल क्रोशिया ली, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया एक्स्ट्रा ली थी मैंने, फिर दो तो चार छः, फिर यहाँ पे सातवें पे ऐसे ही है पूरा चलता रहेगा। देखिए ये लाइन कंप्लीट हो गई है, पिंच एंडी इसको टर्न कर लिया। देखिए यहाँ पे आठवें पे हम डबल क्रोशिया लेंगे, आठवें पे लेंगे यहाँ डबल क्रोशिया, आठवें पे दी मैंने, ये सात सिंगल अकेली थी, आठवें पे दो डबल क्रोशिया, ऐसे आगे करेंगे, ये लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे। देख फ्रेंड्स, ये लाइन भी मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको यहाँ पे दूसरा कलर ऐड करूँगी, दूसरा कलर ऐड करना है मुझे यहाँ पे। दूसरा कलर ये ऐड करूँगी मैं, देखिए ये वाला कलर है ब्राउन, इसको ऐड करूंगी मैं यहाँ पर। तीन चेन लूंगी, ये तीन चेन हो गई, इसको टर्न कर लूंगी, सात डबल क्रोशिया बना के आठवीं पे दो डबल क्रोशिया लेनी है। तीन चार पाँच छ सात आठ, देखिए आठवीं पे हम यहीं पे एक और डबल क्रोशिया लेंगे, ये देखिए आठवीं पे हमने दो डबल क्रोशिया ली, देखिए आठवें पे दो डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये हम आगे भी करते चले जाएंगे, पूरा कंप्लीट कर लेंगे घेर। देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है, यहाँ पे मैं तीन चेन लूँगी, इसको टर्न कर लूँगी, यहाँ पे मैं दो तीन चार पाँच छः सात आठ, यहाँ मैंने आठवीं पे लिया था, अब मैं यहाँ पे नवीं पे दो क्रोशिया लूँगी, दो डबल क्रोशिया, नौ एक और डबल क्रोशिया इस पर, ये देखिए इस पर मैंने दो डबल क्रोशिया लिए हैं। देखिए इस तरह से ये हमारा चलता रहेगा, ये वाली लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये लाइन भी मैंने कंप्लीट कर ली है, यहाँ पे मैं वाइट कलर ऐड करूँगी, ये देखिए देखिए यहाँ तीन चेन लूँगी मैं, एक दो तीन, इसको टर्न कर देंगे, यहाँ पे मैं वही दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और ये दस, दस पे हम एक और डबल क्रोशिया लेंगे। देखिए नौ पे हमने एक एक डबल क्रोशिया लिया है, दस पे हमने दो ली है। देखिए फ्रेंड्स, ये दस लाइनें मैंने यहाँ पे कर ली हैं, इसमें भी मैंने बढ़ाए थे, दस लाइनें हो गई हैं। अब यहाँ से यहाँ पे मैंने हाफ किया था ये। देखिए यहाँ से ये अट्ठाईस अट्ठाईस मैंने लिए हैं, 28 इधर से लिया है, 28 इधर से ये मैंने निशान लगा लिया है, ऐसे यहाँ ये बीच में सेंटर था, ये सेंटर था, सेंटर से दोनों तरफ मैंने 28 28 ले लिए हैं। और ये मुट्ठे छोड़ेंगे हम यहाँ पे, ये इतने मुट्ठे छोड़ेंगे, ये देखिए ये मुट्ठे छोड़ेंगे यहाँ से, ये
ये यहाँ से मुड्ढे छोड़ेंगे इतने। चलिए शुरू करते हैं। ये मैं तीन चेन लूंगी, ये यहाँ से यहाँ तक बुन लूंगी मैं सिंगल क्रोशिया की लाइन। देखिए यहाँ तक बुन लिया है मैंने। अब यहाँ पे दो चेन एक्स्ट्रा लूंगी, दो चेन एक्स्ट्रा ली। अब इसको यहाँ पे इससे जोड़ दूंगी मैं यहाँ पर। देखिए यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक ये निशान है, यहाँ तक हम डबल क्रोशे की लाइन बुन लेंगे। देखिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब मैं दो चेन एक्स्ट्रा लूंगी, एक दो, दो चेन एक्स्ट्रा ली और यहाँ पे इसको मैं ऐड कर लूंगी यहाँ। ये देखिए यहाँ पे इसको ऐड किया, इसको यहाँ से यहाँ तक मैं कंप्लीट कर लूंगी और फिर यहाँ से दूसरा कलर शुरू होगा। ये लाइन मैंने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे मैं कलर चेंज करूंगी, देखिए कलर चेंज करूंगी, ग्रीन वाला, ग्रीन वाला कलर आएगा यहाँ पर। ये देखिए तीन चेन लूंगी मैं यहाँ पे, तीन, ये तीन चेन हो गई। इसको टर्न कर लेंगे यहाँ में, एक दो, और ये तीसरे पे मैं तीन डबल क्रोशिया लूंगी। ये देखिए दो छोड़ के तीसरे पे तीन डबल क्रोशिया लूंगी, यहाँ पे मैं छोड़ूंगी एक दो तीन, तीन छोड़ के चौथे पे तीन डबल क्रोशिया लूंगी। देखिए इसी तरह से अब यहाँ पे एक दो तीन छोड़ के चौथे पे तीन डबल क्रोशिया लूंगी। इसी तरह से हम ये तीन चेन छोड़ के चौथी चेन में तीन डबल क्रोशिया, तीन चेन छोड़ के चौथी चेन में तीन डबल क्रोशिया, ये लाइन हम पूरी कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स ये लाइन मैंने कंप्लीट कर ली है। अब मैं यहाँ पे तीन चेन लूंगी, इसको टर्न कर लूंगी। देखिए यहाँ पर मैं इसको ये यहाँ पे तीन चार पांच, ये पांच चेन ली मैंने। पहले हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया लेंगे। ये देखिए एक डबल क्रोशिया ऐसे कर दी हमने। अब यहाँ पे बीच वाले में एक डबल क्रोशिया ऐसे लेंगे। ये देखिए फिर एक डबल क्रोशिया यहाँ पर लेंगे। देखिए ये हो गई तीन डबल क्रोशिया हमारी। ऐसे यहाँ पर लेंगे, एक चेन लेंगे यहाँ पे, एक चेन लेके फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया यहाँ बीच में लेंगे। ये देखिए और एक डबल क्रोशिया ये ऐसे लेंगे। देखिए इस तरह से हमारे ये चलेगा। एक चेन लेंगे, एक डबल क्रोशिया, ये एक डबल क्रोशिया, फिर ये एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये दो लाइनें इस कलर की हो जाएंगी और अगली दो लाइनें फिर हम ये ऑफ वाइट कलर की करेंगे यहाँ पे। इसी तरह से मैं कंप्लीट कर लूंगी इसको। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने यहाँ से पूरा कंप्लीट कर लिया है। देखिए इसकी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, ये तेरह करे हैं मैंने। अब ये देखिए यहाँ से शुरू करूँगी मैं आस्तीन। देखिए यहाँ पे मैं ये तीन चेन ली मैंने, यहाँ पे मैं दो डबल क्रोशिया और लूंगी, एक दो, एक चेन ली यहाँ मैंने। अब यहाँ पे मैं एक दो तीन एक चेन, एक दो तीन चौथे पे लूंगी मैं।
देखिए इस तरह से पूरा राउंड, ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लूँगी। देखिए ये लाइन मैंने कंप्लीट कर ली है, अब यहाँ पे इसको तीसरी लाइन में अटैच कर, तीसरी चेन में इसको अटैच कर लूँगी। देखिए अटैच कर लिया मैंने, यहाँ पे मैं तीन चेन ली, सॉरी यहाँ दूसरा कलर ऐड करना है मुझे। देखिए यहाँ दूसरा कलर ऐड कर लिया मैंने, तीन चेन ली मैंने ये। देखिए इसी तरह से ये लाइन भी हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए लाइन मैंने कंप्लीट कर ली है, यहाँ मैं इसको तीसरे चेन में अटैच कर लूँगी। यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच करूँगी, देखिए स्लिप स्टिच किया, यहाँ मैं तीन चेन लूँगी और ये हमें घटाना है यहाँ से, इसलिए यहाँ पे हम कुछ नहीं बुनेंगे, एक घटाना है हमें यहाँ पे। देखिए देखिए आस्तीन के शेप के लिए हम यहाँ पे घटाते चलेंगे, तो ये हम अगली लाइन में इसको घटा देंगे। ये लाइन भी हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए लाइन कंप्लीट करनी है मैंने, अब इसको मैं यहाँ अटैच कर लूँगी। मैं इसको स्लिप स्टिच करूँगी, देखिए ये वाला हमने, ये हमने घटा दिया है, यहाँ पर हमने लिया ही नहीं, ये हमने यहाँ से घटा दिया है। इसी तरह से हमें तीन और घटाने हैं, हमारी ऐसी में ढाल आ जाएगा थोड़ा सा, ये जो हो रही है हमारी इतनी चौड़ी, ये चौड़ाई थोड़ी सी कम हो जाती है आगे को आके। देखिए ये आस्तीन मैंने कंप्लीट कर ली है, अब मैं यहाँ पे ये देखिए ये मैंने कलर ऐड किया है, यहाँ पे मैं एक चेन लूँगी, स्मॉल क्रोशे की लाइन चलती जाएगी ऐसे। हर चेन में स्मॉल क्रोशे लेती जाऊँगी मैं। देखिए इस तरह से ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली, देखिए कंप्लीट कर लिया है मैंने।
चेन लूंगी फिर मैं फिर से इसका। देखिए इसी तरह से ये चार लाइनें हैं, मैं कंप्लीट कर लूंगी। ये देखिए चार लाइनें मैंने इसकी कंप्लीट कर ली हैं, बस इसको यहाँ कट कर दूंगी। देखिए आस्तीन हमारी कंप्लीट हो गई है। देखिए यहाँ से भी मैं जैसे मैंने इस पे किया है इसी तरह से यहाँ भी मैं स्मॉल क्रोशिया की लाइन लेके चलूंगी। देखिए इस तरह से हर चेन में स्मॉल क्रोशिया लेती चलूंगी मैं यहाँ से। देखिए फ्रेंड जैसे मैंने ये चार लाइनें इसकी करी थी ऐसी मैंने यहाँ पर चार लाइनें करी हैं इसकी बॉर्डर पे। ये देखिए यहाँ पर भी ये बॉर्डर पे कॉलर पर सब पे सिंगल क्रोशिया की लाइन कंप्लीट कर ली है।